हे देव वेलकम टू सीरीज ऑफ़ तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री दिस लेसन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी कंचन पांडे और हम पढ़ रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की हिस्ट्री सो क्लास ट्वेल्थ में जो आपका आज का चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे लॉर्ड विलियम बैंडिक के बारे में जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे उनके बारे में पढ़ा था उनके द्वारा सारे जो रिफॉर्म्स किए गए हैं उनके बारे में हमने देखा था सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फो है आप लोगों के लिए अगर आप लोग यू पी बी एस सी एम पी बी एस सी या बी पी एस सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड प्रलेम्स और मेन्स दोनों तो का स्टडी मटीरियल हमारे पेड ग्रुप में मौजूद है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और फ़र्दर इंफॉर्मेशन के लिए इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं अगर आपको एग्ज़ाम्स रिलेटेड कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं सो दीज़ आर द चैप्टर्स टू बी कवर्ड इन ट्वेल्थ क्लास सीरीज़ ट्वेल्थ क्लास में हमने लॉर्ड हेस्टिंग्स तक पढ़ लिया है एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट लॉर्ड विलियम बेंटिक जिनका जो कार्यकाल है वो 1828 से लेके 1835 तक का रहा है ठीक है तो अगर आपको ये लेसन पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए So, ये जो चैप्टर है इसको पढ़ने के बाद आपको विलियम बेंटी का जो बेसिक एटीट्यूड था रिफॉर्म्स को लेके उसे जानने का मौका मिलेगा कैसे वो सबसे अभी तक जितने गवर्नर जनरल आए थे उनसे अलग थे हम ये देखेंगे इस चैप्टर में वी विल ऑल्सो सी कि इंडियन स्टेट्स की तरफ इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कैसे अदर गवर्नर जनरल से डिफरेंट रही हैं वी विल सी दॉर्डियल रिलेशन्स शिप ऑफ विलियम बेंटिक विद रंजीत सिंह एंड हम चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है ये एटीन थर्टी थ्री का एक्ट है चार्टर एक्ट इसकी इम्पॉर्टेंस को जानेंगे एंड विलियम बैंडी के द्वारा बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए थे जैसे कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सोशल तो इन सारे रिफॉर्म्स को डिटेल में जानेंगे एंड एजुकेशन रिफॉर्म्स भी इनके द्वारा किए गए थे ठीक है सो so, दीज आर सम क्वेश्चनस रिलेटेड टू दिस चैप्टर पहला क्वेश्चन जो आपका है इसमें पूछा गया है कि इंग्लिश को पहली बार जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ब्रिटिश इंडिया में वो कब बनाया गया था तो आपके ऑप्शन है 1833, 1835, 1837 या 1839. ठीक है तो आपको ये आंसर करना है ये आप आराम से आंसर कर पाएंगे चैप्टर को पढ़ने के बाद तो अभी मैं आपको इनके आंसर्स नहीं बताऊंगी चैप्टर के एंड में हम आंसर्स को डिस्कस करेंगे और अभी इन क्वेश्चंस को सिर्फ पढ़ लेते हैं आप चैप्टर में इनके आंसर्स को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा एंड आई होप कि मुझे आंसर बताना भी ना पड़े और आप लोगों को ये आंसर अपने आप ही आ जाए ठीक है चैप्टर में डिस्कस uh, भी ना करना पड़े आंसर्स को सो सेकेंड क्वेश्चन जो है यहाँ पर द प्रैक्टिस ऑफ सती तो जो सती की प्रैक्टिस है इसको एबॉलिश करवाया गया था तो किसके रूलिंग के टाइम पे उस वक्त कौन थे गवर्नर जनरल आपको बताना है ए वॉरन हेस्टिंग्स पी लॉर्ड कॉर्नवेलिस लॉर्ड वेल्सले या लॉर्ड विलियम बेंटेक नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोर म्यूटिनी के बारे में जो वेलोर म्यूटिनी थी वो कब हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मिलिट्री डिपार्टमेंट लॉर्ड विलियम बेंटिक द सिस्टम ऑफ वॉट ठीक है तो हम देखेंगे कि इन्होंने मिलिट्री डिपार्टमेंट में भी कुछ रिफॉर्म्स किए थे तो इन्होंने क्या किया था किस चीज़ को अबोलिश किया था वी विल सी दैट नाउ मेजो फॉलोइंग में आपको कुछ इम्पोर्टेंट नाम दिए गए हैं लेफ्ट साइड में और यहाँ पे ये जो नाम है ये किससे रिलेटेड है आपको मैच करना है तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट नाम है वो है लॉर्ड मैकॉले फिर है वीर राजा विलियम स्लीमैन रंजीत सिंह सो ठग लॉ मेंबर पंजाब और कुर्ग में से ये किससे रिलेटेड है आपको मैच करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको चार स्टेटमेंट दिए हैं इसमें से एक करेक्ट स्टेटमेंट है सो यू हैव टू फाइंड इट फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि जो चार्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का उसने जो कंपनी के चार्टर एक्ट हैं उसको जो कंपनी का चार्टर है उसको हर तीस साल में रिन्यू करना मैंडेट्री कर दिया था ज़रूरी कर दिया था तो क्या ये स्टेटमेंट सही है तीस साल ही था या कुछ और टाइम था क्या रेगुलेटिंग एक्ट में ये चीज़ मैंडेटरी की गई थी ये आपको बताना है आपको फाइंड करना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं फिर बी स्टेटमेंट में पूछा गया है कि जो चार्टर एक्ट है एटीन थर्टी थ्री का उसमें इंडियंस के एडुकेशन के लिए इंडियन एडुकेशन के लिए फ़ाइव का जो रुपीज़ है उसको प्रोवाइड करने के लिए कहा गया था तो इज़ दैट ट्रू और फॉल्स आपको देखना है इसे सी है एटीन थर्टी थ्री के चार्टर एक्ट के बारे में ही तो इसमें बोला गया है कि इस एक्ट के में गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया था और फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है इंडिया का वो लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है तो हम देखेंगे क्या ये चीज़ हुई थी इस एक्ट में हम इस एक्ट के जब प्रोविजंस पढ़ेंगे सारे तो हमें वहाँ से पता चल जाएगा कि क्या ये चीज़ हुई थी या नहीं डी है आपका कि 1853 का जो चार्टर एक्ट है उसको फिर से रिन्यू किया गया था बीस साल बाद सो वी विल सी ऑल दिस ओके अब ट्रू और फॉल्स वाले स्टेटमेंट्स में देखो लिखा है लॉर्ड विलियम बेंटिक एज्यूम द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल इन 1838 तो क्या 1838 में जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है वो गवर्नर जनरल बने थे इज़ दैट ट्रू और फॉल्स फिर सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है कि जो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज है उसको फाउंड करा था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सो वी विल सी ऑल दिस ओके एडुकेशनल रिफॉर्म्स जहाँ पे हम पढ़ेंगे वहाँ पे हम मेडिकल कॉलेज के बारे में पढ़ेंगे ओके सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं सो विलियम बेंटिक जो हैं ये बॉर्न हुए थे 1774 में और इनका करियर स्टार्ट हुआ था एज अ सोल्जर ये डायरेक्ट गवर्नर जनरल नहीं बने थे ये पहले सोल्जर थे और उसके बाद 22 की एज में वो पार्लियामेंट के मेंबर बने थे फिर ये मद्रास के गवर्नर के रूप में 1803 में आए थे और उसी टाइम पे जो वल्लोर म्यूटीनी है उसके कुछ साल बाद हुई थी ठीक है तो विलियम uh, बैंडिक जो हैं जब ये गवर्नर थे मद्रास के उन्होंने इस उस वक्त जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें सर थॉमस मुनरो को हेल्प किया था बहुत सपोर्ट किया था एडवाइस किया था और जब वेलॉ म्यूटिनी हो गई थी एटीन हंड्रेड सिक्स में इनको वापस बुला लिया गया था ठीक है पहले ये क्या थे मद्रास के गवर्नर रहे थे ओके okay. फिर एटीन में बिकॉज ये काबिल ऑफिसर्स ऑफिसर officer थे बिकॉज ऑफ़ हिस ग्रेटनेस उनको एटीन ट्वेंटी एट में फिर से जो गवर्नर जनरल है वो बना दिया गया था जो भी मैं चीज़ें बोल रही हूँ वो क्वेश्चन में पूछी गई हैं आप प्लीज़ ध्यान दीजिए और चैप्टर के एंड में जब हम क्वेश्चंस को डिस्क आंसर्स को डिस्कस करने वाले होंगे तो वहाँ पे आप पॉज करके सारे आंसर्स को दीजिएगा ठीक है सो आई एम रिपीटिंग कि लॉर्ड विलियम बैंटिक जो हैं वो एटीन में फिर गवर्नर जनरल बने थे ओके, सो गवर्नर जनरल बेंटीक जो हैं इनके एरा को प्रोग्रेस का एरा माना जाता है क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस और रिफॉर्म्स हुए थे सो so, ये पहले ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिनका मेन मोटिव जो है वो इंडियंस के वेलफेयर का था ठीक है The welfare of the subject people was a main and primary duty of the ब्रिटिश इन इंडिया ये चीज़ इनके काम से देखने को मिलती है ठीक है तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अब हम देखते हैं कि जो इंडियन स्टेट्स थे उनके साथ इनके कैसे रिलेशनशिप्स थे तो क्या इनकी पॉलिसीज़ थी तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि विलियम बेंटी की जो पॉलिसी थी वो थी नॉन इंटरवेंशन और नॉन एग्रेशन की पॉलिसी यानी कि ये इंडियन स्टेट्स के अंदरूनी मामलों में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे ना ही ये अग्रेशन को अपनाना चाहते थे वॉर वगैरह को लेकिन अगर कहीं पे इनके इंटरफेरेंस की ज़रूरत होती थी तो ये किन स्थितियों में इंटरफेरेंस करते थे या तो किसी इंडियन स्टेट में मिस गवर्नेंस हो रहा हो ठीक है वहाँ पर ये इंटरफेयर करते थे लेकिन उनकी टेरिटरी को एनेक्स करने के मकसद से नहीं करते थे तो ये दो जो पॉलिसी हैं ये विलियम बेंटेक की रही थी अब देखिए मैसूर में क्या हुआ था हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि कृष्णा राजा थ्री जो हैं उनको मैसूर का राजा बना दिया गया था वेलेसले के द्वारा ओके जब हमने वेलेसले के बारे में पढ़ा था वहाँ पर हमने ये चीज़ें देखी थी लेकिन जो कृष्णा राजा थ्री हैं इन्होंने शुरुआत के दिनों में तो बहुत अच्छा काम किया अंडर पुरिया पुरन् पुरैया कौन थे पूनैया मिनिस्टर थे इनके तो इनके अंडर कृष्णा राजा थ्री ने बहुत अच्छे से काम किया सब कुछ सही से चल रहा था लेकिन बाद में जब उनको पूरा जो राज्य है उसका कंट्रोल खुद से लेना पड़ा सो ये काबिल राजा जो हैं वो नहीं साबित हुए ठीक है इन्होंने कुछ खास अच्छा काम नहीं करा और इनकी जो प्रजा है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी इनसे किसान बहुत ज़्यादा परेशानी झेल रहे थे तो मिसगवर्नेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और इनके टाइम पे कृष्णा राजस्वी के टाइम पे किसानों ने फिर वहाँ पे मैसूर में रिवोल्ट कर दिया था ये ये जो पीजेंड रिवोल्ट हुआ था ये हुआ था एटीन में ठीक है बिकॉज किसानों को जो भी नुकसान होता था खेती ना तो उनके लिए इरिगेशन के लिए कोई आ, हेल्प करी गई थी उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता था राजा की तरफ से ऊपर से कोई रिड्रेसल का जो अरेंजमेंट है वो भी नहीं हुआ था तो इसीलिए 1830 में पीजेंट्स ने रिवोल्ट कर दी और उस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए इनकी मिलिट्री भी इतनी काबिल नहीं थी इनको मद्रास की आर्मी से हेल्प लेनी पड़ी थी तो इसीलिए बाद में जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं उनको मैसूर इस्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जो कमिश्नर थे ब्रिटिश कमिश्नर उनको सौंपना पड़ा और राजा को पेंशन दे दी गई ठीक है तो कौन से वो कमिश्नर कौन थे जिनको अब मैसूर का पूरा पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका देखरेख की जिम्मेदारी दे दी गई थी वो थे सर मार्क कबोन ठीक है सरमार कबोन वॉज अ कमिश्नर फ्रॉम 1834 थर्टी फोर टू एटीन सिक्सटी वन और इनके टाइम पर जो मैसूर के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला था इनका एडमिनिस्ट्रेशन मैसूर के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ था और कबोन ने इतना अच्छा काम किया था कि आज बेंगलोर सिटी में उनके नाम का एक कबोन पार्क भी है जिनको उन उनके द्वारा जो सर्विसेज की गई हैं उसकी याद में बनवाया गया है ठीक है सो ये था मैसूर के साथ जो आ, कुछ हुआ था अब अदर प्लेसेस में क्या हुआ था कैसे अदर प्लेसेस बेंटी के टाइम पे एनेक्स की गई थी ये देखते हैं अब आ, बात करते हैं कचार की ठीक है सो so, हमने फ़र्स्ट बर्मीज़ वॉर के बारे में देखा था तो इस वॉर की एंड के बाद एक ट्रिटी हुई थी यंदाबू की ट्रिटी तो इस ट्रिटी के अंडर जो ब्रिटिश ब्रिटिशर्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर कचार भी आ गया था ठीक है तो बिकॉज ऑफ द ट्रिटी ऑफ यंदाबू जो कि फ़र्स्ट बर्मीज़ वॉर के बाद हुई थी कचार ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था और यहाँ के राजा जो थे उनका उनकी हत्या हुई थी एटीन थर्टी टू में और इनके कोई उत्तराधिकारी भी नहीं थे तो वहाँ के लोग ही चाहते थे कि जो हमारा राज्य है उसकी कमान बेंटीक संभाले ठीक है बेंटीक एन एक्स स्टेट एट द विश ऑफ दीपुल अब बात करते हैं जैंतिया की सो ये जो टेरिटरी है ये जगह फर्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वॉर जो हुई थी उसके अंडर ब्रिटिशर्स की कस्टडी में आ गया था नाउ लेट्स टॉक अबाउट कुर्ग कुर्ग के जो राजा थे वीर राजा ठीक है वीर राजा कुर्ग के राजा थे ही वॉज अ रूदलेस रूलर वो बहुत ज़्यादा क्रूअल थे और ये अपने ही जो प्रजा है उनको बहुत बुरा ट्रीट करते थे अपने मेल रिलेटिव्स को बहुत बर्बरता से किल कर देते थे तो ये बहुत ही uh, खराब क्रूअल रूलर uh, थे और इनकी ये uh, ये जो तरीका था इनका वीर राजा का इनकी इतनी क्रुएल्टी को देख के जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है उन्होंने कर्नल लिंसे को भेजा और राजा को डिपोज किया गया एटीन थर्टी फोर में और फिर कुर्ग को ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश इंडिया में मिला दिया था ठीक है कुर्ग को एनेक्स कर लिया गया था बिकॉज ऑफ द गवर्नेंस नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ विलियम बेंटिक विद रंजीत सिंह रंजीत सिंह कौन थे ये पंजाब के महाराजा थे ओके तो विलियम बैंटिक जो थे काफ़ी दूरदर्शी थे इन्होंने जो रशिया है रशिया की तरफ से जो थ्रेट है इंडिया के लिए उसको ये भाप चुके थे तो इन्होंने क्या किया ही स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंडली रिलेशनशिप विद पंजाब रूलर और जो सिंध के रूलर्स थे सिंध के रूलर्स को आमिर कहा जाता है आमिर ऑफ सिंध तो इनके साथ इन्होंने फ्रेंड रिलेशंस बनाने की सोची ताकि अगर बाहर से इन्वेजन हो तो इन सबकी जो आर्मी है मिल उसको खत्म कर सके सो so, 25 अक्टूबर 1831 को रूपर में रंजीत सिंह के साथ विलियम बेंटी की मीटिंग हुई थी और उसके बाद ये ट्रिटी हुई थी इंडस नेविगेशन ट्रिटी और कुछ कमर्शियल ट्रिटी भी हुई थी एंड रंजीत सिंह का काफ़ी अच्छा फ्रेंडली रिलेशनशिप था विलियम बेंटी के साथ और ये सारे फिर एक हो गए थे और जो आमिर से सिंध के उनके साथ भी इसी तरीके की एक ट्रिटी हुई थी ठीक है कमर्शियल कमर्शियल ट्रिटी एंड द इंडस नेविगेशन ट्रिटी हुई थी सो so, डिप्लोमेटिकली भी जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक ही वॉज वेरी गुड एंड इनका जो प्लान था इनवेजन से बचने का इन्वेजेंस का मुकाबला करने का अच्छे रिलेशंस बना के वहाँ के राजाओं के साथ तो वो कामयाब हो चुका था अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट चार्टर एक्ट की देखिए चार्टर एक्ट चार्टर एक्ट का मतलब क्या है हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टार्टिंग में जो क्वीन थी उन्होंने मोनोपोली दी थी अपने चार्टर उनके चार्टर के अंदर मोनोपोली दी थी ब्रिटिशर्स uh, को ठीक है कि वो इस ट, वो इंडिया में आराम से बिना किसी रोक टोक के ट्रेडिंग कर सकते हैं लेकिन बाद में फिर आया रेगुलेटिंग एक्ट तो उसमें कंपनीज के कुछ जो उनको आज़ादी दी थी उसमें थोड़ा सा रेगुलेशन आ गया था सेवनटीन सेवेंटी थ्री का एक्ट आया था और एक इस एक्ट में ये चीज़ मैंडेट्री कर दी गई थी कि कंपनी के चार्टर को हर बीस साल बाद रिन्यू किया जाएगा ठीक है जो भी सिचुएशंस हैं सर्वे वग़ैरह करके चीज़ों को देख दाख के फिर से रिनोवेशन होगा हर बीस साल में कंपनी के चार्टर का तो सेवनटीन सेवेंटी थ्री में ये एक्ट आया फिर सेवनटीन सेवेंटी थ्री के बाद सेवनटीन नाइन्टी थ्री में इसको रिन्यू किया गया द चार्टर एक्ट ऑफ सेवनटीन नाइन्टी थ्री आया फिर 1813 में फिर से इसको रिन्यू किया गया और 1813 के जो चार्टर एक्ट को रिन्यू किया था उसके अंडर वन लाख जो रुपी है उसको इंडियन एडुकेशन के लिए के प्रमोशन के लिए लगाया गया था फिर 1833 में फिर से इनके चार्टर को रिन्यू किया गया था फिर आया था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 तो अब इस एक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस को जान लेते हैं इस एक्ट में जो की जो फिलॉसफी है पीछे की जो थ्योरी है इट्स बेस्ड ऑन द लिबरल एंड यूटिलिटेरियन फिलॉसफी ऑफ बेंथम ओके तो अब इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में देखते हैं पहला प्रोविज़न क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब उसको सीज कर दिया गया था एक कमर्शियल एजेंसी जैसा इसको ट्रीट किया जाता था वैसा ट्रीट नहीं करा जाएगा ये इस चार्टर एक्ट में कहा गया था यानी कि जो कंपनी है वो अब एक बस पॉलिटिकल एजेंट बन के रह गई थी ब्रिटिश क्राउन का ओके सेकंड में सेकंड जो है जो गवर्नर जनरल की पोस्ट होती थी गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम इस पोस्ट को चेंज कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से अब जो गवर्नर जनरल था फोर्ट विलियम का ही इज़ डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उस टाइम पे कौन थे विलियम बैंटी ही गवर्नर जनरल थे तो इसीलिए विलियम बेंटिक जो हैं ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई थी इस एक्ट में चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में जो गवर्नर जनरल की काउंसिल हुआ करती थी उसमें एक लॉ मेंबर को भी अपॉइंट करा गया था और ये पहले जो लॉ मेंबर थे वो कौन थे टी बी मैकॉले ओके फोर्थ प्रोविजन क्या है द एक्ट कैटेगरिकली स्टेटेड दैट नो नेटिव ऑफ इंडिया नॉर एनी नेचुरल बॉन्ड सब्जेक्ट ऑफ हिस मेजिस्टी शुड बी डिसेबल्ड फ्राम होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट बाई रीजन ऑफ हिस रिलीजन प्लेस ऑफ बर रिसेंट और कला देखो इस फोर्थ प्रोविजन में क्या था कि किसी भी इंडियन को या अदर किसी को उसके रिलीजन प्लेस ऑफ बर्थ कलर इन सारी चीज़ों के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफिस को अपॉइंट करने से मनाही नहीं होगी सो बेसिकली हम कर, कह सकते हैं कि जो फाउंडेशन है इंडियनाइजेशन का वो स्टार्ट हो गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की वजह से ठीक है और आ, हमने देखा कि ये चार्टर्स को एटी हर बीस साल में रिन्यू किया जाता था ये स्टार्ट हुआ था 1733 से सॉरी uh, सेवनटीन से जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था लेकिन ये बस इसका रिनोवेशन हर बीस साल में जो होता था वो बस 1853 तक चला था जो लास्ट एक्ट था चार्टर एक्ट वो था 1853 का और उसके बाद ये जो सीरीज़ थी चार्टर एक्ट्स की वो ख़त्म हो चुकी थी ठीक है अब हम पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट रिफ़ॉर्म्स करे गए हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा तो इनके रिफ़ॉर्म्स को हमने क्लासिफाई किया है फ़ाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स में देखो विलियम बैंटिक का बहुत कम टेन्योर था ऑफिस का एक जो टेन्योर था ऑफिस का वो था सिर्फ सात साल का लेकिन इन सात सालों में भी इन्होंने इतना बढ़िया काम किया है हम देखते हैं इनके बारे में देखो फाइनेंशियल रिफ़ॉर्म्स में क्या किया जब इन्होंने ऑफिस संभाला था गवर्नर जनरल का 1828 में तब जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा डेफिसिट से गुजर रही थी जो स्टेट का बजट है इट शोड डेफिसिट ऑफ वन मिलियन रुपी ठीक है वन मिलियन रुपी का डेफिसिट चल रहा था एंड इस टाइम पे फिर इन्होंने क्या रिफ़ॉर्म किया इन्होंने जितना भी सैलरीज हैं अलाउंसेस हैं ऑफिसर्स के उनको कम कर दिया और जो एडिशनल स्टाफ हुआ करता था वो वाली पोस्ट भी ख़त्म कर दी प्लस जो मिलिट्री डिपार्टमेंट में फ़ौजियों को जो सोल्जर्स थे उनको जो डबल भत्ता मिलता था वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया डबल भत्ता क्या होता है जब भी कोई आर्मी का जो सोल्जर है वो अपने रीजन के अलावा किसी दूसरे रीजन में जाता था लड़ाई वगैरह करने तो उसके लिए उनको डबल अलाउंस मिलता था तो इस चीज़ को विलियम बेंटिक ने ख़त्म कर दिया था और इनके इन सारे स्टेप्स जो इन्होंने लिए थे रिफॉर्म्स जो किए थे उसका फ़ायदा क्या हुआ विलियम बेंटिक के डिपार्चर के टाइम पे जब वो आए थे वन मिलियन रुपीज़ का डेफिसिट था स्टेट में और इनके डिपार्चर के टाइम पे ही लेफ्ट द ट्रेजरी विद अ सरप्लस ऑफ वन पॉइंट फाइव मिलियन रुपी ओके okay? सो so, इसलिए हम कह रहे हैं कि इनके द्वारा जो रिफॉर्म्स किए गए थे दे वर वेरी वेरी बेनिफिशियल अब बात करते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की ठीक है सो इन द जुडिशल डिपार्टमेंट ही अबॉलिश द प्रोविशियल कोर्ट हमने देखा था लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने इस्टेब्लिश किया था प्रोविंशियल कोर्ट्स को तो इनको इन्होंने अबोलिश कर दिया था एंड क्योंकि ये जो कोर्ट्स थी इनकी वजह से जो अरार्स हैं केसेस में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा केसेस बच जा रहे थे काम भी अच्छा नहीं हो पा रहा था तो प्रोविंशियल कोर्ट्स को इन्होंने ख़त्म कर दिया था और जो डायरेक्टर्स थे वो भी इस चीज़ के लिए राज़ी हो गए क्योंकि उनका तो जो खर्चा है वो कम हो रहा था प्लस इन्होंने क्या किया जो लोअर कोर्ट्स थी वहाँ पे लोकल लैंग्वेज को यूज़ करने का आ, सोचा ठीक है लोकल लैंग्वेजेस स्टार्ट करी और हाइयर कोर्ट्स में इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ होगा ये चीज़ इन्होंने स्टार्ट किया इंस्टीड ऑफ द पर्शियन पहले पर्शियन लैंग्वेज स्टार्ट होती थी एंड जो रेवेन्यू का सेटलमेंट है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का वो पूरा आर एम बर्ड जो थे उनके कंट्रोल में कर दिया ठीक है लगभग तीस साल तक जो सेटलमेंट है रेवेन्यू का इनके कंट्रोल में रहा था एंड जो रेवेन्यू सेटलमेंट था वो जो किसान थे उनके साथ होता था या फिर जो लैंड ओनर्स थे उनके साथ होता था तो ये इस तरीके से इन्होंने रेवेन्यू का सेटलमेंट किया था आर एम बर्ड के अंदर रखा था सारा कुछ सोशल रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो विलियम बेंटिक ने करे थे वो था पहला था अबॉर्शन ऑफ साती तो हम सब इस प्रैक्टिस के बारे में जानते हैं इसको इसमें जो भी वाइफ होती थी उनके हस्बैंड की मृत्यु के बाद उनको उनकी ही चिता में ज़िंदा बर्न कर दिया जाता था तो इस ह्यूमन प्रैक्टिस को इन्होंने ख़त्म करने का सोचा था और ये जो प्रैक्टिस है वो मोस्टली होती थी बंगाल में ठीक है तो इन्होंने देखा कि एक सिंगल ईयर में कम से कम आठ सौ केसेज आए थे सती के सो फोर दिसंबर एटीन ट्वेंटी नाइन को इन्होंने ऐसा रूल ले आया था कि कोई भी ये जो प्रैक्टिस है सती की अगर ये होती है तो जो भी पनिशमेंट है इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्श होगा ही जो भी लोग इस सती को प्रैक्टिस करेंगे उनको पनिशमेंट मिलेगा कोर्ट्स के की तरफ से और इस चीज़ को एक क्राइम की तरह लिया जाएगा ठीक है और फिर इस रेगुलेशन को उन्होंने मद्रास और बॉम्बे तक भी एक्सटेंड कर दिया था ठगी को सप्रेश किया गया था जो ट्रैवलर्स होते थे उनको ये जो ठग से बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे ओके और ये जो ठगी है मोस्टली स्टार्ट हुई थी एटीनथ सेंचुरी के टाइम पे जब मुग़ल अंपायर पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गया था बहुत ज़्यादा एनार्की हो गई थी डिसऑर्डर हो गया था राज्य में तो उस टाइम पे जो रॉबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ, बहुत ज़्यादा जो रॉबरी है वो स्टार्ट हो गई थी और ये रॉबर्स हेयर डिटरी हुआ करते थे ये स्मॉल ग्रुप्स में जाते थे और लोगों से लोगों को लूटा करते थे तो विलियम बैंटिक जो हैं उन्होंने इस ठगी को सप्रेस करने के लिए कर्नल स्लीमैन को भेजा ठीक है एटीन थर्टी में एंड स्लीमैन अपने काम में सक्सेसफुल रहे एंड इसीलिए इनको ठगी स्लीमैन भी कहा जाता है ओके नेक्स्ट जो सोशल रिफॉर्म किया था वो था फ़ीमेल इन्फेंटिसाइड का यानी कि कन्या भ्रूण हत्या तो ये जो प्रैक्टिस है ये मोस्टली राजपुताना पंजाब मालवा और कच्छ जैसे इलाकों में होती थी और इस तरीके की डीट्स को जो सिविलाइज लोग थे वो भी किया करते थे तो इसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने फिर से ये रूल आया कि ये जो चीज़ें हैं ये इलीगल होंगी और कोई भी अगर इसको करता है तो उसको पनिशमेंट ज़रूर मिलेगा ठीक है तो इस तरीके के रिफॉर्म्स जो हैं ये विलियम बैंटिक के द्वारा किए गए थे सो नेक्स्ट रिफॉम है एडुकेशनल रिफॉर्म ओके तो लॉर्ड मैक लॉर्ड मेकॉले जो हैं इनकी एक कमेटी अपॉइंट करवाई गई थी बैंटिक के द्वारा एंड लॉर्ड मेकॉले की कमेटी ने जो इंग्लिश एजुकेशन है यूरोपियन लिटरेचर साइंस और को प्रमोट करने के लिए कहा गया था इंडिया में लेकिन इंग्लिश मीडियम में हालांकि विलियम बैंटिक बहुत ज़्यादा इंडियंस के वेलफेयर के लिए काम कर रहे थे बट आफ्टर ऑल ही वाज़ अ ब्रिटिशर एंड वो किसके अंडर काम कर रहे थे ब्रिटिश क्राउन के अंडर तो थोड़ा तो वो अपना फ़ायदा भी देखेंगे ना तो इन्होंने जो पढ़ाई है उसका मीडियम रखा इंग्लिश ठीक है इन्होंने एडुकेशन में रिफॉर्म्स लाए थे एडुकेशन को बहुत प्रमोट किया था लेकिन जो मीडियम था इंग्लिश का जो मीडियम था पढ़ाई का वो था इंग्लिश ओके सो एटीन थर्टी फाइव में इंग्लिश को ऑफिशियल और लिटरेरी लैंग्वेज जो है इंडिया की वो बना दिया गया था बाय गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ये हुआ था एटीन थर्टी फाइव में ये डेट याद रखना क्वेश्चन में पूछा हो गया था ठीक है गवर्नमेंट रेजुलेशन इन 1835 मेड इंग्लिश द ऑफिशियल एंड लिटरेरी लैंग्वेज ऑफ इंडिया और विलियम बेंटिक ने ही जो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज है कलकत्ता का उसकी फ़ाउंडेशन रखी थी ही फाउंडेड इट ओके सो यहाँ पे विलियम बेंटिक का बस एक एस्टिमेट लिखा गया है जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो लिखा है आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं ठीक है थीके? विलियम बैंटी के द्वारा आए थे लॉर्ड ऑकलैंड उनका टाइमलाइन है 1836 से लेके 42 तो इनके टाइम पे पहली अफ़ग़ान वॉर हो गई थी और ये उसको सप्रेस करने में सफल नहीं हो पाए थे इसलिए इनको वापस बुला लिया गया था उसके बाद लॉर्ड एलन बोरो आए थे ही एनेक्स्ट अफगान वॉर को ख़त्म कर पाए थे इजीली लॉर्ड एलिन बरो के बाद आए थे लॉर्ड हार्डेंज और इनके टाइम पे हुई थी पहली एंग्लो सिख वॉर और ये वॉर ख़त्म हुई थी बाय द ट्रिटी ऑफ लाहौर ठीक है so, सो चैप्टर ख़त्म हो गया है हेयर आर सम रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड इनको एक बार फटाफट से इनके आंसर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं पहला क्वेश्चन जो है इंग्लिश को कब ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था ब्रिटिश इंडिया का वो डेट है एटीन थर्टी फाइव फिर सती की प्रैक्टिस को किसने अबॉलिश किया था ऑब्वियसली विलियम बेंटिक ने जिसके जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोर म्यूटीनी के बारे में ये हुई थी एटीन हंड्रेड सिक्स में और विलियम बेंटिक ने मिलिट्री डिपार्टमेंट का जो डबल भत्ता का सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया था मैच द फॉलोइंग यहाँ पे आएगा डबल भत्ता मैच द फॉलोइंग में लॉर्ड मेकॉले के बारे में है तो लॉर्ड मेकॉले जो हैं वो लॉ मेंबर थे पहले और विलियम स्लीमैन रिलेटेड टू ठागी वीर राजा ही इज रिलेटेड टू कुर्ग बहुत ज़्यादा क्रूअल राजा थे ये रंजीत सिंह ही इज़ रिलेटेड टू पंजाब पंजाब के महाराजा थे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें से आपके ये सारे जो फर्स्ट स्टेटमेंट uh, में है ये गलत है क्योंकि चार्टर एक्ट को हर तीस साल में नहीं बीस साल में रिन्यू करना होता था और यहाँ पे 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसमें पाँच लाख नहीं एक लाख रुपए को प्रोवाइड किया गया था इंडियंस के एडुकेशन के लिए थर्ड आपका स्टेटमेंट करेक्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के और ये जो पोस्ट है ये चार्टर एक्ट एटीन इसके अंडर लाई गई थी एंड फोर्थ जो स्टेटमेंट है कि चार्टर एक्ट ऑफ एटीन फिफ्टी रिन्यूड आफ्टर 20 इयर्स नहीं 1853 के बाद कोई चार्टर एक्ट को रिन्यू नहीं किया गया था इट वॉज द लास्ट चार्टर एक्ट ऑफ एटीन फिफ्टी थ्री नेक्स्ट ट्रू फॉल्स में आपका पहला सवाल है कि गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक 1838 में नो इट्स फॉल्स वो बने थे 1828 में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलियम बेंटिक लेड द फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता मेडिकल कॉलेज यस दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट सो आपका चैप्टर खत्म हो गया है एंड आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस लेसन दैन डोंट फॉरगेट टू लाइक हिट द लाइक बटन हिट द लाइक बटन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल